वैदिक गणित एक स्पेशल क्लास में आए हैं जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो दो अंक का हो। एक अंक का तो नॉर्मली हम निकाल लेते हैं, दो बार उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 5 × 5। अब देखना है क्या कि दो अंक का कैसे निकालेंगे, तीन अंक का कैसे निकालेंगे, चार अंक का कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो रूल यूज करेंगे वो हमारा द्वंद विधि कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अंक समूह। अंक समूह में लिखा गया यहाँ पे ए बी लिखा गया पहला, फिर ए बी सी लिखा गया और ए बी सी डी लिखा गया। ए बी का मतलब दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंक ले लेते हैं, जैसे 22 है, ठीक है। तो ये 22 में ये पहला अंक ए, ये दूसरा अंक बी, ठीक है। अब अंक समूह बनाते हैं। अंक समूह में सबसे पहले एक अंक को लेकर चलेंगे, यानी कि ए लिखा गया है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे, ए बी लिखा गया है। अब जब दोनों कवर हो गया है तो पहले वाले अंक को छोड़ देंगे, यानी कि बी लिखेंगे। यहाँ पे वैसे ही लिखा गया है ए, ए बी और बी। अब उसी तरह तीन अंक का लेते हैं। तीन अंक में क्या है, जैसे कि 1, 2, 3 इसका निकालना है। 1 हमारा ए हुआ, 2 हमारा बी हुआ, 3 हमारा सी हुआ। सबसे पहले एक अंक यानी ए लिया गया, फिर इसके बाद दो अंक यानी ए बी लिया गया, इसके बाद तीन अंक ए बी सी लिया गया है। फिर जब पूरा पूरी हो गया तो हम फिर आगे से एक एक छोड़ते जाएंगे, यानी कि अब बी सी हो जाएगा और लास्ट में सी, बी सी और सी, ठीक है। अब वैसे ही अगर चार अंक का देखते हैं तो चार अंक में क्या हो जाएगा, चार अंक में जैसे कि 1, 4, 6, 8 इसका निकालना हो। सबसे पहले अंक समूह बनाएंगे, तो पहला ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब क्या है, पहले एक अंक लेंगे ए लिया गया, फिर दो अंक ए बी लिया गया, फिर तीन अंक ए बी सी लिया गया और लास्ट में ए बी सी डी लिया गया। जैसे ये पूरा हो गया फिर एक एक अंक छोड़ते जाएंगे, यानी कि अब बी सी डी होगा, उसके बाद सी डी होगा और फाइनली लास्ट में डी होगा, ठीक है। अब क्या है, अंक समूह में अंकों की संख्या, संख्या यहाँ पे दिया गया है। एक संख्या अगर हो तो क्या करेंगे, फिर 2, 3, 4। अब दिया हुआ है कि द्वंद योग क्या है। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक अंक है तो द्वंद योग उसका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर दो है तो क्या करेंगे, 2 × a × b। अगर तीन अंक है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों को यानी a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, यानी डबल कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या है, बीच में जो अंक बचा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। फिर वैसे ही क्या है, चार अंक में क्या करना है, ये लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 2a × d। फिर उसी तरह बीच वाला जो दो अंक है बी और सी उसे मल्टीप्लाई करेंगे और डबल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं 26, ठीक है। सबसे पहले अंक समूह बनाते हैं। अंक समूह क्या है, पहला ए, फिर ए बी, फिर बी। तो अंक समूह में क्या हो जाएगा, पहला 2, उसके बाद क्या होगा 2 और 6, और उसके बाद हो जाएगा लास्ट वाला 6, ठीक है। अब क्या है, पहले अंक यानी 6 का अगर एक अंक है तो एक अंक का क्या करते हैं, द्वंद योग क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 कैरी 3। फिर क्या है, बीच वाला 2 है तो 2 वाले का बताया गया है 2 × a × b, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 27 का 7 कैरी 2। फिर क्या है, लास्ट में 2 आया, 2 फिर से एक अंक है हमारे पास तो उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में ये बचा 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो हमारा होगा 676, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, सबसे पहले अंक समूह में बांट लेते हैं। अंक समूह में बांटने के लिए यहाँ पे 2 अंक है तो अंक समूह यहाँ क्या है, ए, ए बी और बी है। ए का मतलब ये 2 हमारा ए है, ये 6 हमारा बी है। तो सबसे पहले ए है तो 2 लिख लिया गया, फिर ए बी है तो 2 और 6 लिखा गया है, और लास्ट में बी है तो 6 लिखे। अब क्या है, इसका द्वंद योग यहां से देखते हैं। अगर एक अंक है तो स्क्वायर करते हैं, 2 अंक है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 कैरी 3 रखिए। इसके बाद फिर क्या है, 2 अंक 6 और 2 है तो जब भी 2 अंक है उसे डबल करते हैं, तो 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24,
24 में ये बचा हुआ 3 ऐड किए तो 7, फिर बचा कितना 2, फिर से लास्ट में एक अंक आया, एक अंक का जब भी रहे तो स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और बचा था कितना 2, ऐड कर लिए तो 6, आंसर इसका 676 आया। उसी तरह अब तीन अंक का देखते हैं, तीन अंक में लेके चलते हैं 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले अंक समूह में बांट लीजिए, अंक समूह में सबसे पहले ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ए लिखा गया यानी 1 हो जाएगा, इसके बाद ए भी है यानी 2 इंटू, उसके बाद 2 और 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा ए बी सी है यानी 1 2 और 3 होगा, इसके बाद लास्ट का जब पूरा हो गया तो लास्ट में फिर एक अंक छोड़ देते हैं तो 2 और 3 होगा और सबसे लास्ट 3 होगा, ठीक है। अब इस तरीके से सबसे पहले यहां देखते हैं एक अंक है, एक अंक का द्वंद योग होता है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या है दो अंक, तो दो अंक वाले में बताया गया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 6 2 12 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। फिर जब तीन अंक है तो तीन अंक में बताया गया था कि साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 3 3 1 3 3 2 6 6 में बीच का स्क्वायर यानी 4 ऐड कर देंगे तो 10, 10 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। अब फिर से दो अंक आया तो इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6 6 2 12 12 में फिर 1 ऐड कर देंगे 13 का 3 कैरी 1, फिर ये वाला जो है एक अंक का स्क्वायर करना है यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 ऐड कर लेंगे 2, आंसर हो जाएगा 2 3 1 2 9, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर चार अंक का देखते हैं, वन टू थ्री फोर, इसमें क्या करना है सबसे पहले अंक समूह में डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड करेंगे तो टोटल स्टेप होगा 1 ए ए बी ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर बी सी डी सी डी और डी, ठीक है। ये ए ये बी ये सी ये डी, ठीक है। सबसे पहले डी से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला अंक 4 है, 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1। अब फिर क्या ये दोनों का काम करना है, 4 3 12 12 2 24 24 और 1 25 का 5 कैरी 2। अब क्या हो गया दो अंक हो गया, इसके बाद हमको तीन अंक लेके चलना है, तो 4 2 8 8 2 16 16 में ये बीच वाले का स्क्वायर ऐड करेंगे यानी 9, 25 25 और 2 क्या हो जाएगा 27 27 का 7 कैरी 2, तीन अंक तक हो गया था। इसके बाद चार अंक में जाना है, चार अंक में क्या है लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डबल कीजिए, 4 1 4 4 2 8, फिर बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डबल कीजिए, 3 2 6 6 2 12 12 ऐड करके 20 आया, 20 में कैरी 2 ऐड करेंगे तो 22 22 का 2 कैरी 2, ये होल टोटल चार अंक का हो चुका है। फिर लास्ट वाले एक अंक को हटा देते हैं, बचा हमारे पास 3, फिर से करना शुरू करते हैं, तीन वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, 3 1 3 3 2 6 6 में बीच वाले का स्क्वायर ऐड करते हैं 4 6 4 10 कैरी 2 बचा था, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, फिर करते हैं ये वाला जब तीन अंक हो गया फिर से एक अंक छोड़ देंगे इधर से, बचा ये लास्ट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डबल, 2 1 2 2 2 4 4 में कैरी 2 ऐड करेंगे, 4 2 6, अब ये भी जब हो गया तो लास्ट में सिर्फ 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है अंक समूह इस तरीके से यहाँ पे बांट लेंगे सबसे पहले, उसके बाद अंक समूह का द्वंद्व योग कैसे करना है यहाँ पे बता दिया गया है। इस रूल से हम किसी भी आगे किसी भी नंबर को, जैसे 5 नंबर का निकालना हो तो वैसे ही हम निकालेंगे, 5 नंबर का अंक समूह बांट देते हैं, फिर जैसे निकालना होगा देख लेंगे। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई इस तरीके से अगर है तो पहले एक अंक, फिर दो अंक, फिर तीन अंक, फिर 4, फिर फाइनली 5, जब 5 पूर गया फिर से एक छोड़ दीजिए इधर से, 4
चार के बाद फिर तीन के बाद फिर दो, मतलब एक एक घटते जाएंगे और वन। वैसे ही अंक समूह इस तरीके से बताया गया है। अंक समूह में जैसे चार तक का तो पता ही था, पांच वाले का आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाला जो सिंगल बचा, जब भी सिंगल बचे तो स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।